उज्जैन जिला मुख्यालय पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाम्बी समाज द्वारा भगवान रामदेव जी महाराज की 635वीं जयंती पर चल समारोह उर्दापुर स्थित प्राचीन रामदेव जी के मंदिर से निकाला। यह चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचा। इस चल समारोह का जगह जगह सामाजिक मंचों से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बाबा रामदेव जी की पालकी आकर्षण का केंद्र बनी थी। भक्तों ने जगह जगह पालकी का पूजन किया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। बाबा रामदेव जी का जन्म उत्सव आज बाबा रामदेव का जन्म हुआ है, इसलिए प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से बाबा रामदेव जी का जन्म उत्सव है वो मनाया जा रहा है। बहुत पुराना 200 वर्ष पुराना मंदिर है बाबा रामदेव मंदिर का उदयपुरा में, हम भी ज्यादा भावी समाज का मंदिर है और बहुत जो मंदिर है वो बहुत पुराना है और कई वर्षों से जाटा भावी समाज के मंदिर के जो पूजा का खर्च जो उठा रहे हैं ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इन समाज ने करी और यहाँ पे कई बहन बेटियों का गर्भागृह से बच्चे का जन्म भी हुआ और कई की मन्नतें पूरी हुई बाबा के यहाँ से। हम ये मनोकामना करते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक लोग आए और आपके सामने बहुत सारी भीड़ हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ आती है बाबा के दर्शन करने के लिए और हर आदमी की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हर आदमी की मनोकामना पूरी की जाए। देवीदास बैरागी है, मैं बाबा रामदेव मंदिर का पुजारी हूँ। बाबा रामदेव जी की 635वीं जयंती है। बाबा रामदेव मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ का जो चल समारोह निकलता है वह मंदिर से प्रारंभ होता है उनको पूरा हालवे खुलवे चुराया और खाने पूरा होते हुए निकाह चुराया होते हुए खजवानी मस्जिद होते हुए पूरा यहाँ पर आता है। मंदिर का बहुत महत्व है यहाँ पे, यदि जब से प्रार्थना की जाए तो हर भारतीय की सभी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पे घर भरे जाए तो उन्हें अवश्य श्रद्धांजलि की प्राप्ति होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।